जरा आप लोग बताइए जी, हम लोग कल क्या पढ़े थे? अगर आप बता देते हैं कि हम लोग कल क्या पढ़े थे तो मैं आगे चलूं फिर। है मर्जी बताने का? नहीं मर्जी है। अच्छा HTML था वो। अच्छा ये मैं कुछ लिस्ट बना के भी रखा था जी, विंडोज प्लस अप एरो दबाया तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे मालूम किसी को? तो ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। चलो जी पढ़ लिए थे तो बाकी क्या था पढ़ना? अच्छा सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन का, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या जितना चीजें आपने पढ़ा वो सारे चीजें सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ? क्या समझ में नहीं आया बताइए? क्या चीज? एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाना है ये समझ में नहीं आया आपको? ठीक है प्रैक्टिकल हम इसी का करते हैं। अच्छा वो मैं जो कल गलती किया था ना, अभी आपने देखा, अभी मतलब मैं देख लिया तो मेरे को समझ में आ गई गलती किया था। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पहले न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है ये पता नहीं दुनिया भर के मैं क्या क्या बना रखा हूँ, मजा नहीं आ रहा है इतना देख के। ठीक है अब न्यू फोल्डर में नाम दिया हूँ, ये नाम आप प्रोजेक्ट का नाम अपने देंगे। ठीक है अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लूंगा, इसका नाम दे दूंगा index.p नहीं 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 php नहीं होगा भाई, index.html। ठीक है html ठीक। दिमाग खराब हो गए हैं सच में। अब इसको मैं सेव कर दिया। ठीक अब मैं इसको कर लूंगा ओपन, किससे? इस वाले नोटपैड से। ठीक ओपन हो गया, यहाँ पे index.html आ गया। अब मैं html लिखूंगा। ठीक है ऐसे HTML। ठीक है HTML के बाद कौन सा टैग होगा? HEAD हेड टैग होगा। ठीक है फिर क्या होगा? TITLE टाइटल टैग लिखूंगा मैं। अब इसके बाद मैं कल क्या किया था? ऐसे ही लिख दिया था ना हेड टैग, और मैं इसके बाद फिर लिख दिया था टाइटल टैग और मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक ऐसा मैं लिखा था। ठीक है तो ऐसा नहीं होगा जी, ये तो गलत है, मैं भूल गया था या ध्यान नहीं दिया। ठीक है ये होगा इसके अंदर ही। ठीक जो टैग का जहां ओपनिंग होगा वहीं क्लोज होगा। ठीक जो टैग, जैसे मान लीजिए हेड टैग के अंदर मैं टाइटल को ओपन किया हूं ना, तो हेड टैग के अंदर ही तो टाइटल को क्लोज भी करूंगा ना, इसके बाहर तो नहीं कर दूंगा मैं, करूंगा तो क्या होगा? ये गलत है जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है तो ये ऐसा होगा। यहां पे पेस्ट कर दिया। इसमें क्या दे देंगे हम नाम? ये स्टूडेंट लिस्ट। ठीक और फिर यहां पे क्या करेंगे? H2 कर देंगे। ठीक है और फिर H2 कर देंगे, फिर यहां लिख दूंगा ऑल स्टूडेंट। H2 का मतलब H जो है वो हेडिंग टैग है। ठीक है और H2 का मतलब दूसरा हेडिंग। ठीक है H1 से लेकर के H6 तक ये HTML में हेडिंग माने जाते हैं, राइट? ठीक है और H1, H2, H3, H6 तक हेडिंग होगा। ठीक है तो मैं H2 माने मैं हेडिंग दूसरा ले लिया। ठीक कुछ और पूछना है किसी को? तो LOR कलर में दे देता हूं मैं रेड। ठीक अब क्या करूंगा मैं? इसको रन करूंगा जी। ठीक है तो कैसे रन करूंगा? डबल क्लिक मार दूंगा इसी पे। ठीक है ये हो गया। अच्छा ये कलर बदला नहीं। अच्छा फॉन्ट टैग के अंदर मैं लिखूंगा तो ना बदलेगा। चलिए मैं नहीं लिखता हूँ फॉन्ट में कुछ, डबल कोट मार के देखूं क्या काम आएगा कि नहीं। नहीं फॉन्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है तो मैं फॉन्ट कुछ कर नहीं रहा हूँ, स्टाइल टैग दे दूंगा तो भी काम कर देगा। ठीक है स्टाइल और इसमें क्या दे दूंगा? COLOR colon RED ऐसे तो हो जाएगा ये रेड ऐसे। ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट का लिस्ट बनाऊंगा जी। H1 के नीचे आया। ठीक है पी पैराग्राफ टैग मैं लेता हूं। ठीक है और फिर पैराग्राफ ले लिया। अब यहां पे स्टूडेंट का नाम लिख देता हूं मोहन। ठीक है
अब इस पे क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है जी, आ गया। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा ना तो दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी तो एक क्लिकेबल नहीं है ना, तो क्लिकेबल बनाना पड़ेगा ताकि हम क्लिक कर सके। तो इसको क्या करूंगा मैं, एंकर टैग से लॉक कर दूंगा जी, ऐसे ऐसे, ये लीजिए। एंकर टैग में पैराग्राफ के बाहर भी दे सकता हूं ऐसे, ठीक है, और इसको भी पैराग्राफ के मैं बाहर दे दूंगा, ठीक। और यहां पे हेडर रेफरेंस में मुझे लोकेशन देना है कि कहां पे मेरे को जाना है, तो क्या करूंगा, एच आर ई एफ एच रेफ इक्वल टू यहां पे दे दूंगा नाम, तो मैं मोहन नाम से ही एचटीएमएल फाइल बना लूंगा, मोहन डॉट एचटीएमएल, ठीक। अब ये फाइल तो अभी बना नहीं है ना, तो बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इसी फाइल के यहां पे आऊंगा और यहां पे कर दूंगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वी करके एंटर कर दूंगा, ठीक। अब इसको मेरे को एडिट करना है जी, तो एडिट कर लूंगा कैसे, नोटपैड एक और ओपन कर लेता हूं, नोटपैड, ठीक है, इस नोटपैड को यहां पे लाके ऐसे कर दूंगा तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो मैं इसमें जो जो मैं लिखा हूं ना, अच्छा हेड के बाद मैं बॉडी लिया ही नहीं, सीधा मैंने ये लिख दिया, तो आप बॉडी लिख लिया करना, मैं भूल गया, ठीक है, ऐसे। अब मैं यहां पे आके कंट्रोल सेलेक्ट किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक कलर वगैरह मैं हटा दे रहा हूं यहां से, मेरे को नहीं चाहिए। आल स्टूडेंट के जगह पे यहां मैं क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख रखा था, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स यहां पे कर दिया, ठीक है। अब जस्ट इसी के नीचे मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, तो ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, मैं प्री टैग लूंगा ऐसे और फिर यहां पे प्री टैग को बंद कर दूंगा, ठीक। यहां पे नेम ले लूंगा मोहन, डीसीए ले लूंगा, ठीक है, एड्रेस ले लूंगा, ठीक है, पिन कोड ले लूंगा, एक दो तीन चार पाँच छः ज्यादा कर दिया, ठीक हो गया ना। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, दो ठो बन चुका है। अब इंडेक्स को जो है मैं रन करता हूँ, तो इंडेक्स यहाँ पे चल रहा है, मोहन में क्लिकेबल हो गया। अब यहाँ पे जब मैं माउस लाता हूँ तो आप नीचे देखना है यहाँ पे, ठीक, आपको दिख रहा है नीचे, कंट्रोल प्लस दबाता हूं मैं तो दिखेगा ही नहीं आपको, विंडोज माइनस, इसको नॉर्मल ही रहने दे भाई, नहीं चाहिए मेरे को, रीसेट, ठीक है। यहां पे लाया तो ये देखिए नीचे बता रहा है ना, फाइल यूजर न्यू फोल्डर डेस्कटॉप मोहन, ठीक है, लोकेशन बता रहा है, इसमें जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये फाइल खुल गया, ठीक ठीक। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लिया, कट कर दिया इसको। अब दूसरा स्टूडेंट का मेरे को बनाना है तो फिर से यहां पे आऊंगा, ठीक है, और फाइल का नाम क्या देता हूं, कुछ भी स्टूडेंट नाम दे देता हूं, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई वो नहीं है। मैंने मोहन इसलिए लिखा था कि पता चले कि इसमें मोहन का डिटेल है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको ओपन कर लूंगा नोटपैड से, ठीक है, यहां पे आया, नोटपैड ओपन किया, पेस्ट कर दिया, यहां पे मोहन है, मोहन के जगह पे कुछ और नाम ले लूंगा, नाम क्या ले लूं जी बताओ जरा, कहां मैं टाइप कर रहा हूं, प्री, नाम कुछ बताओ जी, सोहन ले लिया, ठीक है, ये ज्यादा ज्ञानी है इसलिए इसको एमसीए करा देते हैं, ये भी इंडिया सही है। पिन कोड क्या दे देते हैं, कुछ भी दे दो, कौन सा इस एड्रेस पे पोस्ट आने वाला है, क्यों दे दिया मैं, ठीक है। अब मैं दूसरा फाइल इंडेक्स वाला खोल लिया, ठीक, यहां पे मोहन है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोहन का डिटेल खोल लेंगे, ठीक है, सोहन हो गया ना, बहुत अच्छा। अब यहां पे सोहन दिखाई देगा हमको ये, ठीक है,
और यहाँ पे HTML फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है, तो मैं स्टूडेंट ले लिया। ये देख लीजिए स्टूडेंट नाम है ना, तो मैंने स्टूडेंट ले लिया। ठीक, इसको मैं क्लोज करूंगा। ये देखिए इंडेक्स डॉट HTML में मैं यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, यहाँ से बैक जाऊंगा, तो अब दो दिखने लगा, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे सोहन है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सोहन का डिटेल खुल गया। ठीक है, मोहन पे क्लिक किया तो मोहन का डिटेल्स खुल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक लिंक हो और उससे मैं बैक पेज पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूंगा, बड़ा आसान काम है। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, नोट पैड ओपन किया, स्टूडेंट को यहाँ ले लाया, यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, एंकर टैग से लॉक करूंगा इसको। ठीक है, और एंकर टैग यहाँ देने के बाद मैं क्या करूंगा, एचरेप में वैल्यू फिट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एचरेप में क्या दे दूंगा जी, मेरे को आना है इंडेक्स वाले पेज पे ना, तो आ जाओ बैठ जाइए, .html। ठीक है जी, अब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, गो बैक। ठीक, ये लिख दिया मैं। ठीक है, काई को कट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मोहन का डिटेल्स है जी, हमने किसके डिटेल्स में, ये देखिए स्टूडेंट नाम के HTML फाइल पे मैंने ये एडिटिंग किया है ना, तो ये अभी तो मोहन नाम का HTML फाइल यहाँ पे खुला है। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ, खोलता हूँ इसको, स्टूडेंट नाम का फाइल खुला, इसमें देखिए आ गया। ठीक, अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो बैक हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट वाला रहा, अब मैं मोहन में भी परिवर्तन कर लेता हूँ जी। ये लीजिए, ड्रैग ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे भी ये लीजिए। ठीक, यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट मारा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी गो बैक लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मोहन पे क्लिक करूंगा तो भी गो बैक का यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेम आ गया फाइल का। ठीक है, अब यहाँ से बैक बटन पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल खुलेगा। ठीक, तो एंकर टैग में कोई समस्या, एंकर टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक एट्रीब्यूट मैं बता देता हूं आपको अभी। ठीक है, आप वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो देखते हो आप लोग कि आपने क्लिक करा और नया पेज खुल गया। ठीक है, तो वो कैसे होता है, टारगेट, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत है टारगेट का जी, मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, तो टारगेट एट्रीब्यूट हम देंगे। ठीक है, और टारगेट एट्रीब्यूट में अंडर स्कोर का साइन देंगे और फिर कर देंगे ब्लैंक। ठीक, इससे क्या होगा जी, आप देखना, मैं मोहन में हूं ना, नहीं जी मोहन वाले में मैं ये टारगेट नहीं देना चाह रहा हूं, मैं इंडेक्स वाले में देता हूं। ठीक है, ये देखिए खुल गया इंडेक्स वाला। अब यहां पे जो है मैं टारगेट एट्रीब्यूट में एंकर टैग में दे दिया, ये लीजिए। ठीक, यहां पे आया, क्लिक करा, इसी में खुल गया जी। टारगेट का स्पेलिंग मैंने शायद गलत कर दिया, टी ए देता हूं। ठीक है, अब शायद ये चल जाए। नो प्रॉब्लम जी, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एडिटर है, हम इधर से पता लगा लेंगे। ठीक है, यहां पे मैं आ जाऊंगा, स्पेस दूंगा, टारगेट, ये आ गया। अब टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे देंगे जी हम, तो खुल जाएगा एक ठो नया विंडो। ठीक है, और फिर ये लीजिए एंटर दबाया। मैं लिखता था स्टूडेंट सोहन वाले में और खोलता था मोहन को, कैसे खुलेगा ये, तो
चलिए जी आता हूँ मैं इसमें, ठीक है, क्लिक कर दिया। तो ये देखिए नया पेज खुला ना, तो नया पेज इससे खुल जाएगा जी, ठीक है। तो ये टारगेट एट्रीब्यूट का वैल्यू दे दोगे तो नए पेज में ये खोल देगा, ठीक। और क्या क्या वैल्यू होता है, सेल्फ होता है, टॉप होता है, पेरेंट होता है। सेल्फ करेंगे तो क्या होगा, उसी पेज में खोल देगा, ठीक है। टॉप करेंगे तो क्या होगा, टॉप क्या करता है कि टॉप के बारे में कहा यह जाता है, ठीक है, कि जो टॉप नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो सेल्फ पेज में तो खोलता है लेकिन थोड़ा फास्ट खोलता है, ऐसा माना जाता है टॉप के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं जी कितना फास्ट खुल रहा है, आप भी देख लो। ये देख लीजिए, सच में फास्ट खुल गया क्या? अब जो भी हो, फास्ट खुला या स्लो खुला हो मुझे नहीं मालूम, पर खुल रहा है उसी में, ठीक है। वैसे यहां पे सेल्फ कर देंगे, ठीक है, सेल्फ, तो ये क्या करेगा, सेल्फ पेज में ही खोल देगा, ठीक है, सेल्फ पेज में ये खोल दिया खुद के ही पेज में। तो यही दो तीन एट्रीब्यूट हैं जी, एक एट्रीब्यूट और है पेरेंट नाम का, ठीक है। टारगेट ये है पेरेंट, ये भी आप देख ही लो काहे के लिए बचेगा। ये देख लीजिए तो खोल दिया ये भी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को लिख लें क्या कहीं, टारगेट ब्लैंक। अब इसी को मैं कर लेता हूं कॉपी। एक एट्रीब्यूट और होता है एंकर टैग में जो डाउनलोड करने का फाइल काम आता है, ठीक है, अभी तुरंत ही बता दूं या देर में बताऊंगा, तुरंत बता देता हूं, ठीक है। यहां पे कहां गया, ये है एंकर टैग, ये है जी, टैब मारता हूं, ठीक है, स्पेस ए लीजिए, तो ये सब जो है एट्रीब्यूट है टारगेट और उसका ये सब वैल्यूज है, ठीक। मैं कॉमा कॉमा से इन सबको सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे। एक और जो है दो नंबर दे देता हूं, ये है डाउनलोड का, डी ओ डब्ल्यू एम एल ओ ए डी, स्पेलिंग सही है डाउनलोड का, सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बहुत खराब बात है जी। मैं यहां लेता हूं एंकर टैग, ठीक है, बॉडी के मैं बाहर कहे जा रहा हूं तो। अच्छा, इतना एंकर टैग आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है, है पीछे कोई समस्या, अगर है तो आप बता दीजिए, नहीं है तो इससे खुशी का बात और क्या हो सकता है। यहां पे दे देंगे एच आर ई एफ, ठीक है, और यहां पे जैसे मान लीजिए ना कि एक फोटो है, ठीक, इस फोटो को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पे न्यू फोल्डर में आता हूं, यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक। आप सारे लोग मोबाइल साइलेंट करके रखोगे इधर, ठीक। मैं चाहता हूं कि जो gpt.png नामक फोटो है इसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक, तो मैं आऊंगा यहां पे gpt.png, ठीक, दे दिया, तो इससे क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, डाउनलोड नहीं हो जाएगा, ले लीजिए। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है ना हमने एंकर टैग के अंदर, यहां तो भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओपन इमेज, ठीक,
ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ओपन कर दिया फोटो को, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इस पर ओपन करूं तो डाउनलोड हो जाए मेरा फोटो, तो मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा यहाँ DOWNLOAD, स्पेलिंग सही है डाउनलोड का, नहीं है, होगा तो डाउनलोड हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा फिर देख लेंगे जी। अब डाउनलोड के में यहाँ पे फाइल का आप नाम दे दीजिए, ठीक है, फाइल का क्या नाम देंगे आपको जो मर्जी है जी, ठीक है, जैसे मैं GPT.png ही दे देता हूँ, ठीक है, दे दिया मैं, ठीक है। अब इसमें मैं कर देता हूँ क्लिक, ये ओपन कर दिया, ठीक है, ये डाउनलोड नाम का एट्रीब्यूट मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है जी, हम कुछ और टेक्निक यूज कर लेंगे, ठीक है, प्रिवेंट कर देंगे ताकि ना अगला चालू हो, नहीं चलेगा क्या ये, एट्रीब्यूट डाउनलोड नाम का है नहीं क्या, लेकिन होता तो है डाउनलोड का एट्रीब्यूट, क्या करना चाहिए फिर हमें डाउनलोड कराने के लिए जी, होता तो डाउनलोडिंग ऐसे ही है पर हो नहीं रहा है अभी, देखेंगे इसको थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि और किसी टैग में दिक्कत जो पिछला हमने पढ़ा, बताओ जरा, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, कोई टैग्स वगैरह जो आपको समझ में नहीं आया पिछला, एंकर टैग तो क्लियर हो गया ना, नहीं है क्लियर, एंकर टैग क्लियर हो गया ना, मतलब ई टैग, ई नाम का जो टैग है ये तो समझ में आ गया ना, फॉर्मेटिंग टैग है, फॉर्मेटिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग बताऊं, फॉर्मेटिंग टैग में से कौन सा, इतने टैग है मेरे पास, कौन सा बताऊं, पूरा बता दूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम कह दिया यार, चलिए देख लेते हैं। बोल्ड टैग क्या करेगा, ये बोल्ड करेगा, ठीक है, आई टैग क्या करेगा, इटैलिक करेगा, ठीक है, तो ये सारे टैग जैसा लिखा हूं काम ये वैसा ही करेगा, ठीक है, तो चलिए जी मैं आ जाता हूं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे टाइप करूंगा, मेरे को मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा और मेरे को देर होगा। आई टैग दे दिया आपने, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, दिस इज, क्या लिख रहा हूं मैं, इज ए इटैलिक, ठीक है, इटैलिक, स्पेलिंग सही है जी, नहीं है सही, ये मेरा माई फर्स्ट HTML नाम का खुला है, यहाँ पे आके सीधा मैं प्रीव्यू कर दूंगा जी, ये इटैलिक हो गया, ठीक है। अब इटैलिक की जगह पे इसको मैं क्या कर दूंगा, बी कर दूंगा, तो ये बोल्ड कर देगा जी, ठीक है, ये देखिए बोल्ड बोल्ड हो गया पूरा। इसी में यू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा इससे, ये देख लीजिए जी, अंडरलाइन हो गया, ठीक है, और क्या है, EM टैग है, ठीक है, तो ये इम्बेस्ट का एक आता है ना फॉन्ट, MS ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा, तो वही है ये, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है,
इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करके छोड़ता हूँ, इसको मैं पैराग्राफ में बंद करता हूँ, ठीक है ऐसे। अब जो इटैलिक नाम का है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ऊपर दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगा, सुपर स्क्रिप्ट लगा दूंगा ऐसे, ठीक है, और इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये देखिए इसके ऊपर आ गया ना ये, तो इसी तरह से ये काम करेगा जी, ठीक है। अब इसी को नीचे लाना है तो क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट लगा देंगे, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट आपने जो एमएस ऑफिस में पढ़ा था, ठीक है ऐसे। तो ये बड़ा आसान काम है जी, है ना आसान काम, नहीं है, बोलो, करने के बाद पता चलता है कि आसान है कि कठिन है। स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया, स्ट्रॉन्ग का माने क्या होता है जरा बताइए आप लोग, हाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब देख लो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो गया है माने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, स्मॉल, स्मॉल कर देंगे तो छोटा हो जाएगा ये, ठीक है, तो स्मॉल टैग का मतलब छोटा कर देना है, ठीक है, ये देख लीजिए छोटा कर दिया, ठीक है। मार्क टैग है, क्या करता है, ये मार्किंग करता है जी, हाईलाइट कर देगा आपको, ठीक है। हाईलाइटर आप लोग इस्तेमाल करते हो ना किताब उताब में कुछ मार्क करने के लिए, तो वही हाईलाइटर ये इधर है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। मेरे पास इंटरनेट कल बचा नहीं था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आप लोग एक दो तीन बार अगर आप लोग रिपीट करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को मैं लॉक कर दूंगा सेंटर टैग से ऐसे, तो सेंटर टैग क्या करता है, सेंटर में ले लाएगा डॉक्यूमेंट के, सच में ले लाया ना, हाँ। तो और कोई ऐसा टैग जो समझ में नहीं आया बताइए, हाँ मार्क्यू वाला, मार्क्यू से क्या मतलब है कि मार्क्यू जो है वो एनिमेट करता है, ठीक है। इस टैग को मैं यहां से कॉपी करता हूं जी, ठीक है, सेंटर टैग को हटा के मैं मार्क्यू को पेस्ट कर दिया, ठीक है ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये घूमने लगेगा, ये देखो ये दौड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है जी मार्क्यू का, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, डायरेक्शन है, डायरेक्शन में आप लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, अप दे सकते हैं, डाउन दे सकते हैं, लूपिंग में बता सकते हैं कितना बार ये घूमे, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा घूमता रहे तो -1 दे देंगे, ठीक है। बिहेवियर में क्या है, बिहेवियर क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए कि साइड होना चाहिए, साइड माने क्या, आखिरी में जाके रुक जाएगा, स्क्रॉल माने क्या, स्क्रॉल होता रहेगा, अल्टरनेटिव माने क्या, इधर से उधर, उधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा मेरे को कि दिखाऊं, जरूरत नहीं है, बीजी कल क्या चेत दिखा दो, चलिए मैं कॉपी कर लिया इसी को, ठीक है। आपने लगता है कल ध्यान नहीं दिया, दिया था, ले लीजिए। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं फिर इसका देखते हैं मैजिक क्या है, ठीक है। अब ये बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा देंगे तो फास्टली होगा, ये देखिए, तो ये इधर से फिर इधर जाने लगा, फिर वहां से टकरा के फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मार्किंग का मतलब है, जल्दी से पहुंच और मुड़, यहां से मुड़ गया। अब इसमें और क्या हम दे सकते हैं जी अल्टरनेटिव के जगह पे, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड दे दिया मैंने, ठीक है, तो स्लाइड से क्या होगा, रुक जाएगा, अबे पहुंच जाए आखिरी में तो हमें समझ में आए कि क्या है इसके पीछे का सत्य, रुक गया जी ये, तो ये स्लाइड है। स्क्रॉल में क्या करेगा, स्क्रॉल करता रहेगा, स्क्रॉल, ठीक, तो
तो इसका मतलब है कि यही स्क्रॉल करता रहेगा जी, जैसे कर रहा है, ठीक है। तो यही है डायरेक्शन बताने का है जरूरत। डायरेक्शन आप देंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा इसका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या ऊपर या नीचे। फिर इधर से देखिए आ गया ये, तो ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन में बदल जाएगा, राइट से लेफ्ट जाना चाहिए या लेफ्ट से राइट जाना चाहिए या अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स वैसे ही काम करेगा। इनफाइनाइट में जैसे मान लीजिए ना, इनफाइनाइट लूप है, लूप में इनफाइनाइट अगर करना है लूपिंग आपको, मतलब घूमता ही रहे, तो माइनस वन दे दीजिए। और चाहते हैं कि नहीं जी दो बार खाली लूपिंग हो तो दो बार दे दीजिए। करके दिखाऊं ना करूं? कर देते हैं, ये देख लीजिए मैं यहाँ पे पास कर दिया टू, ठीक। देखते हैं दो बार क्या सच में घूमता है। रिफ्रेश किया, ये जो घूमा है घूमा, ये जो जाएगा जा रहा है ये पहला बार है, ठीक है। अब की बार जाएगा तो रुक जाएगा, दूसरा बार इसका कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है। जल्दी से पहुंच जाओ भाई। हो गया इसका। अब बिहेवियर देखा, डायरेक्शन भी वैसे ही काम करेगा। डायरेक्शन का इस्तेमाल आप करना करोगे, कलर का इस्तेमाल कर लेना, टाइटल का इस्तेमाल कर लेना और स्क्रॉल अमाउंट का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ठीक है। और कुछ पिछला में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे चलें। तो इनमें दिक्कत नहीं होगा, आप होगा, इतना क्लियर है सबको? सच में क्लियर है ना? ठीक है जी। अब बचता है ये, ठीक। तो लिस्ट को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट पढ़ते हैं, ऐसे लिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। एलआई का मतलब क्या है? लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम से पहले क्या बनाना चाहिए हमें? ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, ऑर्डर लिस्ट में पहले बनाता हूं, ठीक है। ओ एल मने ऑर्डर लिस्ट, इससे क्या होगा जी, 1 2 3 4 आ जाएगा। अब इसके अंदर बनाएंगे हम लिस्ट आइटम, ठीक। तो इसमें क्या हम लिख देंगे? कुछ भी, जैसे सी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है। नीचे क्या लिख दूँ? HTML ही लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख दूँ? vb.net, ठीक है। पार कर दिया मैं उसको भी, एल आई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या लिख दूंगा? जावा लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ब्राउजर में आके रन कर दिया। तो आपने देख लिया नंबरिंग ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ उसी तरह का है, टाइटल वगैरह। इसको छोड़िए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप है, टाइप में मैं जाके एंटर करता हूं तो ये बोलना बोल रहा है ए चाहिए। अभी 1 2 3 4 था ना, मैं चाहता हूं कि नहीं ए बी सी डी आए, तो यहां पे ए लिख के कर दूंगा सेव और यहां पे कर दूंगा रन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, ए हो गया। सिर्फ यहीं पे ये क्यों हुआ भाई, ये तो बहुत ना इंसाफी है। चलो यहां पे कर दें, कर देते हैं, क्यों तो हो गया। ए बी सी डी के जगह पे आई कर दूं, कर देते हैं तो रोमन आ गया, ठीक है। तो यही है जी,
कुछ सिंबल्स अगर करना है तो क्या करेंगे हम? मुझे सजेशन चाहिए भाई, स्पेलिंग मुझे आता नहीं है। टाइप सर्कल दे देंगे तो सर्कल का आकार आएगा, डिस्क देंगे तो डिस्क आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को करके देखते हैं। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे आके किया काम तो किया नहीं जी, क्या करें, बहुत नाइंसाफी है। तो स्क्वायर क्या है? एक सिंबल है, राइट। तो स्क्वायर कहां पे काम करेगा? ओएल में नहीं काम करेगा, यूएल में काम करेगा, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, राइट। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैं लिख देता हूं यहां पे ऑर्डर लिस्ट के। दिमाग खराब कर दिया ये लाइट। चलिए एट्रीब्यूट को मैं लिख देता हूं, लेकिन वन टाइप, अभी इसका वैल्यू क्या हो सकता है? वन हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, आई माने रोमन गिनती हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है। चलिए थोड़े देर वेट कर लेते हैं हम लोग लाइट का।